हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट से बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, और हमने आपको बता दिया था कि पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन सिक्रेटिन एंड पैंक्रियोजाइमिन या कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन के कंट्रोल में है और वेगस नर्व के कंट्रोल में। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बच्चों में पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये है कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पर डे बच्चों हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है 2000 ml पैंक्रियाटिक जूस। इसमें भी 90-92% वाटर होता है। बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, दोनों में से चूज करना पड़ जाए, सोडियम को प्रेफरेंस दी जाएगी। पीएच ऑफ ड्यूडनम 7.8। इसके अलावा कौन कौन से एंजाइम्स या केमिकल्स पाए जाते हैं वन बाई वन। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि पर डे हमारे शरीर में लगभग 2 लीटर पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और उसमें भी मैक्सिमम पानी होता है 90-92%। बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम का वही काम होगा, काइन के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करके मीडियम को अल्कलाइन बनाए रखना, जिससे पीएच 7.8 मेंटेन रहे। अब बच्चों इसमें कौन कौन से एंजाइम्स या केमिकल्स पाए जाते हैं, ध्यान से देखो वन बाय वन। ये सारे एंजाइम बच्चों आपके यहां सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसमें कौन सा एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो भी आप देख सकते हो बच्चों। पहला एंजाइम बच्चों ट्रिप्सिनोजन, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और चौथा इलास्टेज। ये सब बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में शुरू के 3 तो दिए गए हैं, चौथे का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी चूंकि ये कंपटीशन है बच्चों, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये चारों हुए बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम तुम्हारी एनसीईआरटी में, केवल फर्स्ट 3 ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ही दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों पैंक्रियाटिक एमाइलेज, या इसे एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसका जिक्र भी एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट बच्चों पैंक्रियाटिक लाइपेज या स्टेप्सिन, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। इसका जिक्र बच्चों मैंने समरी में किया था, इसका भी जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में है। इसके बाद डीएनएज एंड आरएनएज, ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इसे पैंक्रियाटिक न्यूक्लियसेस कहते हैं। नीट पे पूछा गया बच्चों, इसे ध्यान रखना, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियसेस। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों पैंक्रियाटिक जूस में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड सब के डाइजेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से हमारे साथ रिकॉल करो बच्चों, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड इलास्टेज, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। पैंक्रियाटिक लाइपेज या स्टेप्सिन, ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। डीएनएज एंड आरएनएज, ये न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी पैंक्रियाटिक न्यूक्लियसेस। ध्यान रखना बच्चों, इसका मतलब पैंक्रियाज बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और सारे फूड के डाइजेशन एंजाइम सीक्रेट करता है। वन बाय वन बच्चों आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ये सब इनएक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिनोजेन लास्ट में जेन लगा हो, या पहले प्रो, यानी इफ प्रीफिक्स इज प्रो एंड सफिक्स इज जेन, वे सारे सबसे कैसे होते हैं बच्चों, इनएक्टिव। इसका मतलब पैंक्रियास जब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है तो वो बच्चों उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट करता है। ध्यान रखना, इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। और आपको पता होगा, याद करो बच्चों, मैंने कई बार बताया है कि जब इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं तो वो अंडर सर्टेन फिजियोलॉजिकल कंडीशन की सहायता से अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इन सब के लिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, आप यहां पर ध्यान से देखो वन बाय वन। सबसे पहले बच्चों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, पहला है बच्चों ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन बच्चों कैसे एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, यह कन्वर्ट होता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ, नाम पढ़ो यहां पर, इंट्रोकाइनेज एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। आईजे का फुल फॉर्म होता है बच्चों इंटेस्टाइनल जूस। इसका मतलब यह हुआ बहुत थोड़ा सा ट्रिप्सिनोजन अपने एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोकाइनेज एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इसके बाद अगर मान लो इंट्रोकाइनेज एंजाइम एक्शन नहीं करता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो ट्रिप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत एक्टिव ट्रिप्सिन बचे हुए सारे के सारे ट्रिप्सिनोजन को अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पढ़ो बच्चों, ऑटो कैटालिटिक एक्शन। एक बार फिर से बताओ बच्चों, ट्रिप्सिनोजन थोड़ा सा इंट्रोकाइनेज एंजाइम, सब नीट के क्वेश्चन बच्चों, इंट्रोकाइनेज एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस की सहायता से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है अपने एक्टिव फॉर्म में। और अगर उसके बाद इंट्रोकाइनेज एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस नहीं काम करता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो थोड़ा सा ट्रिप्सिन एक्टिव हो चुका है वो बाकी बचे हुए सारे के सारे ट्रिप्सिनोजन को अपने एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा लेता है। इस प्रक्रिया को बच्चों ऑटो कैटालिटिक एक्शन कहा जाता है। इसके पहले भी ये चीज आप पढ़ चुके हो।
ऐसा नहीं है बच्चों कि जो एक्टिव ट्रिप्सिन हो चुका है वो केवल ट्रिप्सिनोजन को ही अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराता है। आप ध्यान से देखो, ये एक्टिव ट्रिप्सिन पूरे के पूरे काइमोट्रिप्सिनोजन को और पूरे के पूरे प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को भी उनके एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के फॉर्म में एक्टिवेट करा देता है। इसका मतलब आप ध्यान से देखो कि इंट्रोकाइनेज का रोल इतना है कि वो ट्रिप्सिनोजन को थोड़ा सा एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा दे, उसके बाद अगर इंट्रोकाइनेज काम नहीं करता तो ट्रिप्सिन खुद इटसेल्फ बचे हुए सारे के सारे ट्रिप्सिनोजन को, पूरे के पूरे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को या प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को और पूरे के पूरे काइमोट्रिप्सिनोजन को उनके एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करा देता है। क्लियर बच्चों? इसके बाद आपको याद होगा, आप समरी पढ़ चुके हो बच्चों, ये सारे के सारे एंजाइम किस पर एक्शन करते हैं बच्चों? पेप्टोज एंड प्रोटीओजेस। अगर आपको याद हो डाइजेशन का पहला लेक्चर, वहां बच्चों ने इसका जिक्र किया था और मैंने पढ़ाया था जब समरी, तो मैंने कहा था डिटेल आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब किस पर एक्शन करते हैं बच्चों? पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस। और इसको डाइजेस्ट करते हैं बच्चों डाई एंड ट्राइपेप्टाइड्स। अगर डाई और ट्राइपेप्टाइड्स में से एक चूज करना पड़ जाए बच्चों तो आप प्रेफरेंस दोगे डाईपेप्टाइड्स को। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में केवल डाईपेप्टाइड्स का जिक्र किया गया है, ट्राइपेप्टाइड्स का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे ये एंजाइम अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है इसमें जिंक मेटल पाया जाता है। ये बच्चों तुम्हारे यहां नीट का क्वेश्चन था, इसको मैंने यहां पर मेंशन किया है, बहुत अच्छे से याद रखना ये सारी बातें बच्चों। तुम्हारी एनसीईआरटी के चैप्टर कहीं कहीं एंजाइम, कहीं कहीं बायोमोलिक्यूल्स पर जिक्र किया गया है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि जिसका मतलब जहां पर है वहीं पर आप समझ लो, जिससे आपका बार बार रिवीजन भी होता रहे। तो अब बताओ कौन कौन से ऐसे एंजाइम बच्चों जहां पर जिंक मेटल पाया जाता है? देखो यहां पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ये तीन एंजाइम याद रखना जहां पर क्या पाया जाता है बच्चों? जिंक मेटल। जबकि टायरोसिनेज एंजाइम में कॉपर मेटल पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके यहां नीट में पूछा गया बच्चों, यही चार अल्टरनेटिव दिए गए और पूछा गया किसमें जिंक मेटल नहीं पाया जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टायरोसिनेज। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इन चारों में ऐसा कौन सा एंजाइम है जहां पर कॉपर मेटल पाया जाता है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? टायरोसिनेज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जिंक मेटल कहां पाया जाता है, तो अब इनमें से कोई एक हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? एलास्टेज एंजाइम, इसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं किया गया बच्चों, लेकिन सब एम्स लेवल के क्वेश्चंस रहे हैं, एमयू पूछे गए, इसे ध्यान रखना। ये एलास्टिन प्रोटीन पर एक्शन करता है, उसको लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके पीछे कारण, बहुत लोग नॉनवेज खाना भी खाते हैं बच्चों, और उस नॉनवेज फूड में मसल्स में एलास्टिन प्रोटीन जो होती है, जिससे एलास्टिसिटी पैदा होती है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एलास्टेज एंजाइम भी हमारे पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। तो पैंक्रियास से सिक्रीट होने वाले प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे एक्टिवेट होते हैं और कैसे अपना काम करते हैं? क्लियर बच्चों? वेरी गुड। इसके बाद बच्चों पैंक्रियाटिक एमाइलेज, इसे एमाइलोक्सिन भी कहा जाता है। ये बच्चों स्टार्च पर यानी पॉलीसेक्राइड सुगर पर एक्शन करता है और इसको डाइजेस्ट करता है बच्चों डाइसेक्राइड्स में, और डाइसेक्राइड्स फॉर एग्जांपल देखा जाए बच्चों माल्टोज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज बच्चों स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है डाइसेक्राइड्स माल्टोज में। इसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज या स्टेप्सिन, ये बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसका जिक्र इसके पहले भी मैंने किया था। ये बच्चों इमल्सिफाइड फैट पर एक्शन करता है और इसको डाइजेस्ट करता है डाइग्लिसराइड्स, और डाइग्लिसराइड्स थोड़ा सा फिर आगे चलकर मोनोग्लिसराइड्स में भी डाइजेस्ट हो जाता है। ये सारी बातें तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आपको याद होगा बच्चों इमल्सिफाइड फैट कहां से आया? बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में आपने पढ़ा था बच्चों कि बाइल जूस का एक काम ही होता है कि वो इमल्सिफिकेशन करता है। तो बाइल के बाद जब पैंक्रियाटिक एक्शन करता है तो वहां पर फूड कैसा है बच्चों? इमल्सिफाइड फैट। और उस इमल्सिफाइड फैट को पैंक्रियाटिक लाइपेज स्टेप्सिन डाइजेस्ट कर देता है डाइग्लिसराइड, और फिर वो थोड़ा सा मोनोग्लिसराइड्स में डाइजेस्ट हो जाता है। कल बच्चों इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।